हमारे मुल्क में नो गो एरिया एक आमूल फहम लफ्ज है जिसे हर जबान बोलने वाला जानता भी है और समझता भी। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसका जिक्र गली महल्लों से लेकर उमरा की महफिलों तक, बल्कि अब तो इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक सुनी जाने लगी है। रियासत के अंदर बनी ऐसी रियासतें आखिर हमारे मुल्क में किस तरह जगह बना सकती, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इन गैर ऐलानिया नो गो एरिया में आखिर होता क्या है? अवाम में मकबूल इन नो गो एरियाज तक अवामी रसाई क्यों दुश्वार है? इन इलाकों के अपने रिहायशी किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं? हम इस प्रोग्राम में आपको इन्हीं हकीकतों से मुलाकात करवाएंगे। आम तासुर से आगे इन नो गो एरियाज की असल हकीकत क्या है? यही है हमारा प्रोग्राम नो गो एरिया। कराची से खैबर तक कहां कहां कितने नो गो एरियाज हैं और वहां तक आम शहरियों की रसाई मुमकिन है भी या नहीं? खौफ की फिजा किस हद तक अफसाना है और किस हद तक हकीकत? क्या आम तासुर गलत भी हो सकता है? क्या असलियत कुछ और भी है? कानून नाफिज करने वालों का बस कहां तक चलता है, कहां तक नहीं? और ऐसा क्या है जो इन इलाकों को आम इलाकों से मुख्तलिफ करता है? हम इस प्रोग्राम में खुद इन नो गो एरियाज में जाएंगे और वहां वक्त गुजार कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोगों के जहनों में नो गो एरियाज का खाका ठीक भी है या हकीकत कुछ और है। बातों की हद तक इन इलाकों को जानने से एक कदम आगे बढ़कर खुद देखा जाए कि ये नो गो एरिया है या नहीं। यही सब देखने हम चले कराची के सबसे पुराने और मशहूर इलाके लियारी, जिसकी शोहरत सिर्फ कराची तक ही महदूद नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने में लियारी का जिक्र होता रहता है। वजह शोहरत नो गो एरिया। लियारी को क्यों नो गो एरिया कहा जाता है और वहां के रहने वाले कशीदा हालात में कैसे जिंदगी के दिन काटते हैं? घुट घुट कर जीने के बावजूद उनके पास सब अच्छा कहने का फन कैसे आया, ये जानने के लिए चलते हैं लियारी। भजन लियारी चलना है। लियारी नहीं है वो, असल में ना लोग पता नहीं हालात सही नहीं है, क्या कर सकते हैं सर। ये इलाका है करीमाबाद का, जहाँ कई रक्षे वालों से लियारी जाने की बात की लेकिन मजाल है कोई टस से मस हुआ हो। कुछ तो लियारी का नाम सुनते ही 9-2-11 हो गए। नाकाम हुए तो सोचा शहर के तिजारती मरकज के बजाय किसी अस्पताल के बाहर जाकर किसी को लियारी जैसे नो गो एरिया चलने के लिए आमादा करें। स्टेडियम रोड पर मशहूर आगा खान अस्पताल के बाहर पहुंचे लेकिन यहां भी लियारी के बारे में सोच मुख्तलिफ ना थी। नहीं नहीं, वहाँ तो हम कल भी गए थे। आप कल गए ना, हम तो रोजाना जाते ना, हमें पता है, हम तो कल भी बच के आए। लियारी नहीं सर, लियारी लियारी वाला कोई है? मैं तो अभी तक गया नहीं सर, मैं तो डंका लियारी के नाम से बस नहीं जाते सर, हालात वहाँ के पता है। लोग रात को जाते भी नहीं, वहाँ के लोग आते हैं हमसे पूछते हैं यार लियारी बोले यार ये नहीं जाएगा, उर्दू स्पीकिंग है ये डरेगा वहाँ नहीं जाएगा, खुद बोलते हैं हमें। कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, हमें भी मिला एक ऐसा रक्षे वाला
जो खुद निकला लियारी का रिहायशी। भाव तौ तय हुआ और यूं वो हमें लियारी ले जाने पर राजी हुआ। रास्ता तवील तो ना था, लेकिन रक्षे वाले समेत हमारे चेहरे पर भी तवालत और परेशानी आयान थी। दाखले के 5 रास्ते छोड़कर हम ली मार्केट के रास्ते लियारी में दाखिल हुए। जहन में बहुत से सवाल थे और साथ ही लियारी का माजी भी, लेकिन आगे जाने से पहले एक नजर लियारी की तारीख पर। लियारी का शुमार कराची के कदीम तरीन इलाकों में होता है। 20 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हर दूसरे रोज फायरिंग के वाकयात और मुख्तलिफ ग्रुपों में लड़ाई के सबब ये इलाका हालिया बरसों में शदीद बदअमनी से दोचार है। इन्हीं वजूहात की बिना पर लियारी की हैसियत एक नो गो एरिया की बनती जा रही है, जहां दीगर इलाकों के लोग आने जाने से खौफ महसूस करते हैं। आवाम का ये खौफ किस हद तक हकाइक पर मबनी है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए हमने एक पूरा दिन और पूरी रात लियारी में गुजारने का फैसला किया और लियारी के बारे में नो गो एरिया का तासुर जानने की कोशिश की। ली मार्केट से पहुंचे चील चौक। जो मशहूर तो है एक चील से, लेकिन इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुना था यहां दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जाने वाला आम आदमी आसानी से घर वापस नहीं पहुंचता, और पहुंच भी जाए तो अपने पांव पर नहीं। हम भी पहुंचे तो कुछ लोगों ने घेर लिया। तो वो अपनी शनाख्त तो करा ले सर, हमें उससे इतराज नहीं है। नहीं नहीं, मगर ये हुआ है ना, जितना मीडिया ने लियारी को बदल, लियारी में दाखिल होते ही सर पर ओले पड़ते नजर आए, दिल में खुदा को याद किया और लियारी वालों को अपना तारुफ कराया। जब पास आता है कोई इलाके वाला, कम से कम वो अपनी शनाख्त को करा ले सर, हमें उससे इतराज नहीं है। जान बची तो लाखों पाए के मस्ताक, फौरन ही बताया कि मीडिया वाले हैं और लियारी का गलत तासुर दूर करने आए हैं, तो ओले हम पर ही पड़े। नहीं नहीं, मगर ये हुआ ना, जितना मीडिया ने लियारी को बदनाम किया और किसी ने नहीं किया है। देखिए हमारा मकसद और यहाँ आने का क्या है? देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपसे उलझना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, उलझना नहीं, हमें इतना सिर्फ ये मीडिया वार है। पिछले 3 महीने से लियारी वालों का जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, जो कर रहे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं कहता है। हम यही परसेप्शन देखने आए हैं कि अगर जो कुछ देखा सुना है हमने, ठीक है ना, क्या यहाँ है या नहीं है, इसलिए ठीक है ना, वो आपको नजर आ रहा है, वो तो आपको नजर आ रहा है। यही देखने के लिए हमने यहाँ पूरा दिन गुजारना है, यही देखने के बस, इसलिए चक्कर हम लगा रहे हैं। लगता था कोई नेकी काम आ गई और जान छूटे तो कुछ ही आगे पहुंचे सरदार हाजी दाऊद मोहम्मद बलोच चौक, जो अपने खदो खाल से ही चौक लगा। और ये गुमा हुआ कि यहाँ कुर्सियों पर टेक लगाए बैठे ये लोग जैसे आने जाने वालों पर निगाह रखने के लिए बैठे हों। हमें भी मशकूक नजरों से देखा और पास आता देख कर खड़े हो गए। सोचा नेकी से बात का आगाज करें, सलाम किया, तारुफ कराया और मुद्दा बयान किया। ये देखने आए थे कि लियारी अशफानी गली, यहाँ तो आम आदमी जो बाहर से आता है उसको तो मार देते हैं। नहीं नहीं, आप आए हो, आपको किसी ने मारा नहीं, हम तो एक कैमरा और उसके साथ आए, हमने तो आम यही खबरों में सुना है और इसमें कि जी जो आता है बाहर का एक नो एरिया है। यार हुकुम से उर्दू स्पीकिंग वाले हमारे पास आते हैं, सब आते हैं, हमारे यार दोस्त है बाहर से आते हैं, शाम को आते हैं या चप्पल लेने सब कुछ लेने, हमें फोन करते हैं, पूछते हैं, बोलते भाई आओ, कोई डर नहीं है। तो फिर वो जो ये जो आम तासुर है कि ये नो एरिया, ये क्यों, ये तासुर जो है ये कैसे लोग करते हैं, तासुर पैदा करते हैं, समझा, ऐसे शैतान लोग हैं जो लियारी को बदनाम कर रहे हैं। आप अभी आए हो हमारे पास, इधर हमारे पास हर मजहब के लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग भी इधर रह रहे हैं, कच्ची भी रह रहे हैं,
हिंदू भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। आप कहो तो मैं आपको ले जाके उर्दू स्पीकिंग बताऊं, सब बताऊं इधर कोई। तो ये तो गली बड़ी माजी में बड़ी मशहूर अशवानी गली। आप आए हो, अल्लाह का शुक्र है, इधर कोई ऐसा मसला नहीं। हम तो बोलते हैं भाई आओ, बाहर के लोग ऐसे लोग है बोलते हैं भाई उधर जाते में मार देते हैं, जब आते हैं बोलते हैं यार इधर तो सुकून है, कुछ नहीं हम लोग को ऐसी। तो अगर हम रात में भी आना चाहें तो? आप रात के 2 बजे आ जाओ, बगैर किसी कुछ बताए कैमरे और ये बगैर बताए हुए आप आ जाओ, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं हो। आगे बढ़े और रुख किया अफशानी गली का राज अफशां करने। लेकिन जिंदगी मामूल पर नजर आई। खवातीन घरों के बाहर गपशप में मशगूल और बच्चे खेलते नजर आए, लेकिन खेल था हथियारों का, प्लास्टिक बंदूकें और खुदकार असला लेकर कोई गली में घूम रहा था तो किसी ने दीवार पर मोर्चा संभाल रखा था। इलाके में 30 साल से दुकान चलाने वाले एक दर्जी के पास पहुंचे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सर। जैसे भाई आपकी रिहाइश भी यही है? हमारी रिहाइश तो यहाँ पे उस्मानाबाद में। उस्मानाबाद में जी। तो कब से कर रहे हैं ये काम अपने यहाँ लियारी में, खास तौर पे अफशानी गली है? आप इनके साथ होते हैं? हाँ, ये मेरा लड़का है। आपके साहबजादे हैं? जी। कितने अरसे से कर रहे हैं यहाँ? हाँ तो हमें बहुत साल हो गए, 20-25 साल। तो भाई वो जो ये जो माहौल चल रहा है आमतौर पे कि जी किसी को अंदर नहीं आने देते और रात में खास तौर पे, तो आपका तो काम ऐसा है कि रात में भी लाइट लगा लेते हैं? यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है अमन, या तो हम सारे रात यहाँ काम करते हैं, कोई नहीं है कैमरे के सामने। खर्चे का इजहार किया कि कहीं सब अच्छा है कि बातें सिर्फ कैमरे के सामने तो नहीं। बाद में ये लोग मुझे तंग करेंगे। इतने दिनों जो पुलिस और इनका जो आपस में झगड़ा शुरू हुआ था इस खास तौर पे, तो उस वक्त आप घर पे थे या यहाँ दुकान पे? घर पे थे ना। जब तक दुकान को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा? नहीं नहीं, ऐसी शुक्र अल्लाह। यहाँ मोहम्मद सईद जाहिद साहब से हमारी बात हुई, तकरीबन अरसा 25-30 साल से यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं और मेन लियारी की अफशानी गली में। इनकी बातों से तो ये अंदाज़ा लगता है कि ये जो तासुर है लियारी के बारे में कि ये नो एरिया, यहाँ कोई गैर मुकामी नहीं आ सकता, कुछ जायल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कैमरे के सामने शायद वो हकीकत खुल के ना आए, इसलिए हम बाकी और जगह भी जाएंगे, बग़ैर कैमरे के भी जाने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हमें कौन रोकता है और कौन नहीं रोकता। लियारी जाएं और सुनहरे दिनों की याद यानी बॉक्सिंग ना देखें, ऐसा मुमकिन नहीं था। रुख किया एक बॉक्सिंग क्लब का जो मशहूर है फुटबॉल हाउस के नाम से। कुछ खिलाड़ी नजर आए तो कुछ बनने की जुस्तजू में मगन थे। पाकिस्तान टीम की तरफ से माजी में खेलने वाले एक बॉक्सर ने बताया, ये लड़ाई झगड़ा एक मखसूस जगह है वहाँ पर हो रहा है, बाकी पूरी लियारी में नहीं है। सिर्फ लियारी को बदनाम किया हुआ है, हर जगह हम जाते हैं लियारी लियारी, जहाँ भी हम बोलते हैं हम लियारी के बाशिंदे, हम लियारी के लेने वाले, हम लियारी के इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, बोलते हैं लियारी में तो ये चीज़ हो रहा है, हम भी तो लियारी से निकल के आते हैं, हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। यहाँ अगर कोई बाहर से लड़का आना चाहता है शहर से, ये काम तासुर है कि जो कोई गैर बलोच आता नहीं है यहाँ, ठीक है ना, तो ये तासुर है, अगर कोई सीखना चाहता हो तो क्या वो आ सकता है आराम से यहाँ, कोई किसी खौफ खतर के? आ सकता है, क्योंकि आज ही मैं गया था कुछ चीज़ें खरीदने के लिए कंप्यूटर्स के लिए, तो कह रहा है कि यार आप बॉक्सर हो, लेकिन हमें भी काफ़ी शौक है बॉक्सिंग खेलने का, तो मैंने उनको कहा हमारा समर कैंप लगा हुआ है ये फुटबॉल हाउस में, बोलते यार हम किस तरह वहाँ आए, मैंने कहा यार आप आ जाएं, रास्ता खुला हुआ है वहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बोलते यार बस हमें डर लगता है वहाँ आते आते, ये डर दिल से निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकलकर रक्षे वाले से कहा उजैर ब्लोच के घर ले चलो, ये सुनना था कि वो किराया लेकर अपनी राह चलता बना और कुछ ही देर में कुछ लोगों ने हमें फिर आ घेरा।
अस्सलाम वालेकुम। यार भाई का घर किस तरफ है, मुझे वहाँ जाना है। रक्षेवाला तो छोड़कर चलता बना, मजबूरन लोगों से उजैर बलोच के घर का रास्ता पूछना पड़ा। किसी ने कहा इधर जाओ तो किसी ने कहा उधर। ये लाल बिल्डिंग के सीधे हाथ वाला। धक्के खाते खाते एक जगह पहुंचे तो फिर लियारी आने का सबब पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम। यार भाई का घर किस तरफ है, मुझे वहाँ जाना है। ये आप रब्ता करेगा किसी से बताओ। ये तो यही है, आप जरा रब्ता करेंगे। मैं बता देता हूँ भाई का ना। हाँ वो भाई को फोन कर रहा हूँ। आ जाऊं क्या वाले? आओ हाँ बल्ले बल्ले रावा। हाँ बल्ले पे जाओ। सुजुकी कड़े हुए हाँ, ये सुजुकी नहीं कड़ा हुआ है। तीरथ पे आगे बताया कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है और उजैर बलोच के घर जाना है और यूं हमें घर की बजाय मीडिया सेल पहुंचा दिया गया। तो उस सासुर को हम खत्म कर रहे हैं और जो मीडिया देखते हैं तो लाजिम यही करते हैं कि शायद लियारी नोगो एरिया है, लियारी के हालात ठीक नहीं है और उनमें कोप सा पाया जाता है। जो लियारी एक मरतबा आता है तो ज़रूर वापस आता जाता रहता है। तो इससे ये साबित होता है कि लियारी एक पुरमन इलाका है, लियारी के लोग एक पुरमन कौम है। यहाँ हम लियारी को एक मिनी पाकिस्तान कहते हैं। एक आम आदमी जिसका कोई सियासी ताल्लुक ना हो, किसी पार्टी से ना हो, क्या वो आज़ादाना लियारी में रात और दिन में किसी वक्त भी आ जा सकता है? बिल्कुल, ताजर बरादरी के जो है चेयरमैन है वो अक्सर रात को आते हैं, लियारी घूमते हैं कि जितना रौनक है लियारी के अंदर। जो है रात को फुटबॉल हो रहा है, क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, इतनी रौनक हैं। आप रात को 11 बजे के बाद आ जाएं, आपको तमाम रोडों में देखो सब फुटबॉल स्पोर्ट खेल रहे हैं और ये इमेज बदनाम करने के लिए तमाम चीज़ें साजिश सियासी बेस पे हैं। कैमरा अब बंद कर। आपको क्या कहना? अभी बता क्या कैमरा बंद। उजैर बलोच की मेहमानदारी से फारिग हुए तो रात के 11:30 बज चुके थे। बगदादी का रुख किया और शाह बेग लेन में सड़क पर बने नाइट फुटबॉल क्लब पहुंचे और एक अनोखे अंदाज में टूर्नामेंट देखा। शायद जगह कम थी इसलिए खिलाड़ी 5 और गोल पोस्ट छोटा था। तो यहाँ कब से करवा रहे हैं आप, कितने से टूर्नामेंट चल रहा है? ये तकरीबन 12-13 साल से चल रहा है। ऐसे ही चलता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि यहाँ कोई वैसा नहीं है। अच्छा, यहाँ बाहर से भी आते हैं लड़के खेलने के लिए? बहुत जगहों से आते हैं, हर जगह से, मलीर से भी आते हैं, कटाब से आते हैं, या आपका मुआज से आते हैं, बल्दिया टाउन से आते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यहाँ आते ही खेलते, यहाँ तक के अपना अपचोकी से आते हैं। परसों अपचोकी की टीम खेल रही थी। अगर हम कोई भी जिसका ताल्लुक कोई किसी भी कम्युनिटी से हो, क्या वो आजादाना आ सकता है दिन में या रात में? बिल्कुल बिल्कुल, दिन में रात में जिस टाइम पर भी आ। Right.
रात 1:30 बज चुके थे। चाकीवाड़ा रोड पर फुटबॉल मैच देखते देखते कौमी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी शहजाद बलोच से टाकरा हुआ। लियारी की आबादी 20 लाख है और लियारी में नॉन बलोच तकरीबन 5 लाख के करीब नॉन बलोच है जितने लोग यहाँ रहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स लवर लोग हैं और पीसफुल लोग हैं। लियारी को एक नेगेटिव तासुर दिया जाता है, खासकर हमारे अल्लाह माफ करे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने तो एक टास्क ले लिया है कि लियारी में क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं, लियारी में हर शख्स के पास वेपन्स है। मैं कहता हूँ लियारी में 95% लोग स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट लवर है, वो चाहते हैं वो स्पोर्ट प्रमोट चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। लियारी के लोग ब्रॉड माइंडेड है, आवाम का उनको नेगेटिव टास्क के लिए नैरो माइंडेड करार दे रहे हैं लोग, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जिस तरह लियारी, जिस तरह आप ये देखें ना, आप देखें नाजमाबाद हो गया या सीरल भी एरिया या डिफेंस जहाँ भी, उस तरह जिस तरह के लोग वहाँ बसते हैं, इसी तरह के लोग यहाँ पे बसते, एजुकेटेड लोग हैं और स्पोर्ट्स चाहते हैं और अमन चाहते हैं। अगर एक इलाका लियारी का, लियारी बहुत बड़ा है, कलरी, बगदादी, चाकीवाड़ा, बेबाशाह, अली मोहम्मद मोल्ला, बहुत बड़ा है लियारी। अगर एक आध गलियों में अगर किस किस्म के एक्टिविटीज हो रहे हैं तो आप पूरा ब्लेम लियारी के लोगों को क्यों डालते हैं? बंद करें कैमरा, बंद करें आप, बाद में बात करें, आप बात करें आपको क्या। खांची मोहल्ला से गुजर हुआ तो लोग रात को दिन बनाने में मसरूफ नजर आए, ताश की बाजी अरूज पर। गुलाब का मोहल्ला जो है, ये क्या मोहल्ला, क्या कहला, ये गांची मोहल्ला, गांची मोहल्ला, और ये बिल्कुल अफसानी गली के साथ ही है। आम तासुर ये है लियारी का कि एक नो गो एरिया है, वहाँ कोई नहीं जा सकता, तो आपके दोस्त यार जो शहर में रहते हैं आ जाते हैं आराम से, आप जाते हो आपके पास मिलने आते हैं। नो गो एरिया तो ये है कि नो गो एरिया होता है यहाँ तो मीडिया भी नहीं आता, यहाँ तो माशाल्लाह आप भी बैठे हुए, आप तरीके से आ रहे हैं, आपके सामने नो गो एरिया वाली कोई बात ही नहीं है। चलते चलते अफशानी गली वापस पहुंचे तो सन्नाटे का राज था, इक्का दुक्का लोग सड़क पर नजर आए, और फिर वही हुआ जो हमारे साथ पहले भी हो चुका था। मैं कौन है सर, आप देखने आए थे जरा रात में लियारी कैसा रहता है, क्या रहता है, किसके जगह। सड़क के बीच खड़ा इस सुनसान सड़क को घूर रहा था कि फिर शनाख्त परेड कराना पड़ी। नावल, नावल। कौन है आप? मैं कौन है? देखने आए थे जरा रात में लियारी कैसा रहता है, क्या आप रहता है, किसके इजाजत? इजाजत तो बस हम ऐसे ही, हमने आम लोगों को पता चले कि क्या होता है मॉल। अपना तारुफ करा सकते हैं आप, कैमरा बंद कर, हाँ एक मिनट हम बंद कर दो, कर लेते हैं, लेकिन पहले हम देख तो कैमरा बंद। हम मीडिया से हैं, मीडिया से ताल्लुक है हमारा, ये कार्ड कार्ड शो कर सकते हैं कार्ड, हाँ बिल्कुल आपको दिखाते हैं हम लोग कार्ड, डॉन से आए हम लोग, ये देखना चाह रहे हैं कि ये लियारी की रातें कैसी होती है। आम ताश जी, ये आप डॉन प्रेस से हैं? डॉन से। वैसे आपने किससे रब्ता पहले कि आप यहाँ पे पहुँचने के लिए? हमने रब्ता किसी से नहीं, हम खुद देखना चाह रहे थे कि यहाँ का माहौल रातें कैसी होती हैं, जो कि काम तासुर है लियारी के बारे में कि यहाँ आम गैर, क्या देखा आपने? अभी तो हमने काफी रौनक देखी है, लेकिन यहाँ हमें मतलब आपने रोका है, हम यही देखना चाह रहे थे। आप क्या मतलब देखना चाहते हैं हमारे इलाके के, किस चीज के बारे में? हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो तासुर है आम लोगों का कि जी लियारी में घुसना, मतलब आम जो बाहर के लोग हैं नहीं आ सकते, वो सिर्फ हम वो देखना चाह रहे हैं। यहाँ हमें अफशानी गली में रोका गया है, लेकिन और बड़ा उस वक्त बड़ी खौफजदा हो गए थे हम लोग के फौरी तौर पे हमारे पास आए, लेकिन जब हमने तारुफ करवाया इदारे का आपने कि हम मीडिया से हैं, तो इन्होंने हमें
कैमरा चलाने की और हमें अंदर इस इलाके में जाने की और रात में एक्टिविटी क्या हो रही है वो देखने की जाती है। हम देखते हैं और इन लोगों से बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है, वो जो आम तासुर है लियारी के बारे में, और ये जो अशफानी गली क्योंकि बड़ी खौफ दहशत की अलामत समझा जाता है, वहाँ रात कैसी होती है और क्या एक्टिविटी चल रही है। कब से कर रहे हैं यहाँ? 5 साल हो गए। तो यहाँ तो आपने बड़ा देखा होगा, खून रेजी, लड़ाई झगड़ा, फायरिंग। लड़ाई हमारा नुकसान हो गया था, ये थोड़ा बहुत आके बने और कोई टेंशन। ये तो शायद हम मीडिया है, शायद इस वजह से आप लोग वेलकम। अगर हम बताए बगैर, और जैसे अभी भी आपने रोका हमें, तो वैसे ही ऐसे ही रिसेप्शन मिलेगा कि आम अंदा भी आ जाए अगर घूमता फिरता तो? क्या उसको रोक टोक नहीं पूछेंगे नहीं आप उसके? ऐसी बात नहीं है सर। देखो, मीडिया के खासतौर पर आप तो जानते होंगे, मीडिया के मुतालिक आप तो काफ़ी हद तक जानते होंगे, हमारे से भी ज़्यादा जानते होंगे इस बात कि मीडिया के लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, दिखाते हैं कुछ और बताते हैं कुछ और। हम करें कि ना करें हमें बदनाम किया जाता है, अभी कौन है हमें ये पता नहीं। तुम हमने आगे जाना चाहा तो कहा गया कि आप मेहमान हैं, आपकी हिफाजत के लिए साथ रहे। आसिफ नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, ये हम जाहिर सी बात है हम आपकी हिफाजत के लिए एक दो लड़के दे देंगे, आप जहाँ जाना चाहो, जिससे मिलना चाहो मिल सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं और आगे लोगों को भी दिखा सकते हैं कि हम जो अफशानी गली में और जो तासुबात फैला हुआ है इससे माहौल में। लियारी में तगो दो के बाद दाखिल होना और सुबह से रात तक मुख्तलिफ इलाकों में घूमना, पूरा दिन गुजारने के बाद हमें तजर्बा हुआ कि यहाँ किसी के आने पर पाबंदी भले ना हो लेकिन हर किसी को यहाँ आने की इजाजत भी नहीं। वजह, हमें तकरीबन हर गली मोहल्ले में रोक कर लोगों का दरियाफ्त करना कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। इस बात की दलील है कि लियारी में शायद कुछ मखसूस लोग या गिरोह आए दिन पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशंस के बावजूद अपनी अजारादारी बरकरार रखे हुए हैं। अपने ही शहर के इलाके में एक आम आदमी की जगह जगह चेकिंग और शनाख्त दरियाफ्त करना, ये मशकूक अमल इस बात की तरफ इशारा करता है कि लियारी ताहाल नो गो एरिया है। सिर्फ लियारी ही कराची का नो गो एरिया नहीं बल्कि शहर में कई मकामात ऐसे हैं जहां आम आदमी तो क्या, पुलिस तक नहीं जा सकती। मुल्क भर की तरह कराची में भी लियारी के अलावा और कौन से गैर ऐलानिया नो गो एरिया हैं, ये आपको बताएंगे नो गो एरिया के अगले प्रोग्राम में। इंतजार कीजिएगा।